अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट एडमिशंस। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। काफी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि जो PPCBL के टेस्ट की तैयारी है वो किधर से करें, उसके हवाले से मटेरियल शेयर कर दें, व्हाट्सएप पे जाकर रब्ता करते हैं। उसके हवाले से मैंने काफी सारी वीडियोज आपसे इस चैनल पर शेयर की हुई है, मजीद भी आपको कुछ जो है वो आइडिया दे देता हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम तरह एडमिशन की, स्कॉलरशिप की, जॉब्स की अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक में 2023 में जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, अब जो मैंने मटेरियल आपसे शेयर किया हुआ इसी चैनल पे, वीडियोस जो है 7, 8, 10 वीडियोस मैंने शेयर किए हैं, जो कि आपको मैंने एमसीक्यूज के हवाले से बताया कि पेपर किस तरह का आएगा, ओवरव्यू आपको दे देता हूं। अगर हम बात करें तो बैंकिंग सेक्टर के कुछ पीडीएफ मैंने जो ग्रुप में शेयर भी किया थे, उधर से मे भी हो सकता है कि पेपर आ जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि उधर से कुछ भी ना आए, ये सब आपकी लक पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम बात करें पेपर पैटर्न की, तो ऑफिशियली तो वेबसाइट पे कोई पेपर पैटर्न इसमें नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें उससे पिछले 2-3 साल के हवाले से पैटर्न की, तो उसमें आपके करंट अफेयर्स हैं, उसमें आपके स्टेट के एमसीक्यूज हैं, स्टेट के 33% एमसीक्यूज हैं, 33% आपकी इंग्लिश है, उसके बाद आपके इस्लामिक स्टडीज है, आपके करंट नॉलेज है, आपके पाकिस्तानी अफेयर्स हैं, इस तरह के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से PPCBL का जो है वो CEO कौन था, जो कि ताहर भट्टी था, इस तरह के सिंपल क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में आने होते हैं PPCBL में। आप तमाम स्टूडेंट जिन्होंने जो है वो अप्लाई किया, जिन्होंने सुबह टेस्ट देना, स्टूडेंट्स आप जो है वो एक तो इंग्लिश की तो खैर अब आप टाइम इतना शार्ट है, आप अप्लाई जो है वो तैयारी नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप पहले तैयारी करते, वीडियो जो पहले मैंने आपसे शेयर की हुई थी उनको देख लेते, तो आपको कुछ ना कुछ हद तक आइडिया हो जाता। लेकिन जो स्टूडेंट जिन्होंने जो है वो ज्यादा जाके जो है जहाँ पे आपको ज्यादा खराबी का सामना करना पड़ेगा, जहाँ पे जाके आपके ज्यादा MCQ ज्यादा, जिस पोर्शन में MCQ ज्यादा गलत होंगे, वो आपका मैथ्स का पोर्शन होगा। एक तो आपने जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, उधर आपको सेलफोन बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा। सेकंड नंबर पे आपने नॉन प्रोग्रामेबल जो कैलकुलेटर है वो लेके जाना है। अगर हम बात करें मैथ्स का पोर्शन थोड़ा सा टफ होगा, पहले मैं आपको बता रहा हूँ, मैथ्स का जो आपका ये पेपर है, ये तौर पर IBF जो अदारा है पाकिस्तान का, वो जो है वो ये पेपर लेता है। उसके बाद जो वो जो स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, जो स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं रिटर्न टेस्ट को, उनकी लिस्ट निकाल के फिर वो PPCBL वालों को दे देता है, तो वो फिर बाद में उनका इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स आपने क्वालिफाई करना है टेस्ट को और हर हाल में करना है, तो स्टूडेंट्स मैथ्स के हवाले से अपने आपको जो है मेंटली तौर पर प्रिपेयर कर ले। मैथ्स के हवाले से काफी हद तक जो है वो आपके जो है वो टफ जो है वो पेपर आएगा, टफ क्वेश्चन जाएंगे जो कि आपसे हल भी नहीं होंगे उस वक्त। अगर आपको आइडिया है जो मैंने आपसे मैथ्स का पोर्शन इस चैनल पर शेयर किया है, उसको लाजमी तौर पर देख लें। परसेंटेज किस तरह निकालनी है, अगर एक जो है वो शॉपकीपर एक जो है वो कार को पहले 6 लाख पे दे रहा था, लेकिन बाद में वो 5,70,000 पे दे देता है, तो वो उसमें जो है कितने उसने कितने परसेंट डिस्काउंट किया, उसके इस तरह के क्वेश्चन आने हैं आपके पेपर में, कितने परसेंट उसने डिस्काउंट किया, ये सवाल आपका जो है इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। परसेंटेज किस तरह निकालनी है, LCM की तरह, इसके बाद सिक्वेंस के हवाले से जो आपको कुछ जो है पेपर में दे देंगे, 3, 5, 7 इस तरह सिक्वेंस के लिहाज से आपको अगला हिस्सा जो है वो चूज करना होगा नीचे से। इसके अलावा इंग्लिश के हवाले से बात करें तो सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, खासतौर पर स्पेलिंग्स के MCQ जो है वो हर बार आते हैं, तो आपने जो है वो केयरफुली उनको चूज करना है। बाकी अगर आपका मजीद भी कोई सवाल हो इसके हवाले से, तो वो आप जो है वो इस वीडियो के नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कुछ बैंकिंग सेक्टर के MCQ जो है वो जो कि आपके बैंक के नॉलेज के हवाले से PDF थे, वो मैंने आपसे शेयर किए हैं ग्रुप में, शायद ही उसमें जो है कुछ MCQ आ जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स पूछ रहे थे बार बार के कुछ मटीरियल है, कोई मटीरियल भी है तो शेयर करने में मैंने आपसे शेयर कर दिया। ये भी हो सकता है उधर से कुछ MCQ आ भी जाए, ये भी हो सकता है ना भी आए, लेकिन ये सब जो है वो पेपर बनाने वाले पे डिपेंड करता है। लेकिन आप जो है वो मैथ्स के पोर्शन पे जो है वो आपकी कमांड होनी चाहिए, इस बात का आपने ख्याल करना। बाकी जो इस्लामिक स्टडीज वाला सिंपल MCQ होंगे, इतने मुश्किल नहीं होंगे, पाकिस्तान अफेयर्स का आपको पता है क्या चल रहे हैं, तो बाकी स्टूडेंट्स आपने जो कमांड हासिल करनी है वो आपने मैथ्स पे करनी है, बाकी जो भी होगा बेहतर होगा। अब तमाम स्टूडेंट ने जो है वो अच्छे तरीके से पेपर को सॉल्व करना है, टाइम का ख्याल करना है, बाकी इंशाल्लाह जो भी होगा बेहतर होगा। इसके हवाले से मजीद अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कब से स्टूडेंट इसके पेपर्स के पैटर्न के हवाले से पूछ रहे थे, स्टूडेंट्स मजीद डिटेल्स आपको जो इस चैनल पे मौजूद है वीडियोस की, उनको चेक कर लें, उसके मुताबिक आप अप्लाई कर लें। दुआओं में याद रखिएगा, मुलाकात करते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।